हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूं तो बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के 10 में से 8 मंत्री और स्पीकर चुनाव हार गए हैं। केवल 2 ही मंत्री जीत सके। जिन 8 मंत्रियों की हार हुई है वो हैं ज्ञानचंद गुप्ता, यानी स्पीकर थे, पंचकुला सुभाष सुधा थानेसर, संजय सिंह नू से लड़ रहे थे, असीम गोयल अंबाला सिटी से, कमल गुप्ता हिसार से चुनाव में लड़ रहे थे, कंवर पाल जगाधरी से चुनाव में लड़ रहे थे, जेपी दलाल लोहारू सीट पर थे, अभय सिंह यादव नांगल चौधरी, रणजीत सिंह चौटाला रानिया सीट से थे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार थे। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के दावे के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 8 मंत्रियों की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इनमें रानिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इस सीट पर INLD के अर्जुन चौटाला की जीत हुई है। रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया था, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सीएम नायब सिंह सैनी के इन मंत्रियों को मिली हार, उन मंत्रियों के बारे में बात करेंगे जो हार गए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी पंचकुला सीट पर कांग्रेस के चंदर मोहन ने हरा दिया है। इसके अलावा बीजेपी के सुभाष सुधा को थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। नू में बीजेपी के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। ये सीट कांग्रेस के आफताब एहदम ने INLD उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जीती है। सीएम सैनी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता असीम गोयल भी अंबाला सिटी सीट से हार गए। कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा ने उन्हें 11,131 मतों से हराया है। वहीं हिसार में बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर आकर हार गए। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल को बड़ी जीत मिली, जिन्होंने कांग्रेस के राम निवास रारा को हराया है। इसके अलावा जगाधरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंवर पाल को कांग्रेस के अक्रम खान के हाथों हार मिली। लोहारू में जयप्रकाश दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फटिया ने महज 792 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं बीजेपी के अभय सिंह यादव को नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस के मंजू चौधरी ने हरा दिया है। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा भी शामिल हैं। तो ये उन मंत्रियों की लिस्ट है जो नायब सिंह सैनी की लिस्ट में आते हैं, और नायब सिंह सैनी के 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री तो हार गए। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।